क्या लिखा हुआ है वो, आई आई डी या आई आई टी डी? तो चलते हैं आगे, गेट है ट्रिपल आई टी दिल्ली का। हम लोग अभी ट्रिपल आई टी में आ चुके हैं और यहाँ काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये जो देख सकते हैं यहाँ पे है स्पोर्ट्स ब्लॉक, गर्ल्स हॉस्टल सीधा यानी इसके, और बॉयज़ हॉस्टल इधर, डाइनिंग एंड स्टूडेंट सेंटर नहीं इधर है, गर्ल्स बॉयज़ हॉस्टल डाइनिंग सेंटर इधर है, एकेडमिक ब्लॉक और रेसिडेंस। तो इधर चल के देखते हैं। अच्छा, डाइनिंग एंड स्टूडेंट सेंटर, ये छोटा सा पार्क है डाइनिंग के लिए या फिर इसके अंदर? नहीं नहीं नहीं, इसके अंदर है, अंदर है, इसके अंदर है डाइनिंग एंड स्टूडेंट सेंटर। काफ़ी मस्त बिल्डिंग है, ट्रिपल आईटी में एडमिशन लेना है तो बी विथ मी। जो इतनी लंबी सी बिल्डिंग दिख रही है ना, इसी की फ़ोटो है। ये लिखा हुआ है लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स, ओके, इसके लिए लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स, लेक्चर हॉल क्लासरूम कोर एंड बियॉन्ड लैब्स मतलब, ओके। तो ये मे बी ये रिसेप्शन एरिया होगा और ये काफ़ी मस्त है, ओ माई गॉड, ग्रेट यार, जिनको एडमिशन लेने आ सकते हैं। अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं अंदर और हमने देखा यार इसका गार्डन इतना मस्त है, सही से मेंटेन किया हुआ है, मतलब पैसे ले रहे हैं तो उस लायक है ये कॉलेज। और अंदर का देखें तो यार इतना ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, बस पुनीत की क्लास ओवर हो जाए और वो बाहर आ जाए, मिलते हैं फिर अंदर चलेंगे घूमेंगे। और ये जो दिख रहा है सामने हॉस्टल वगैरह, उसके बालकनी में आप देखो घास ही घास है, उतनी अच्छी नहीं दिख रही पर घास लगा रखे हैं। प्लेसमेंट यहाँ पे एक लड़की ये थी 1 करोड़ की, शायद गूगल या फिर किसका था वो मैं कह नहीं सकता, पर ये कन्फर्म है से 1 करोड़ का प्लेसमेंट था। तो काफ़ी सही कॉलेज है, आप एडमिशन लो इधर आके, अच्छे परसेंटेज बनाओ, बस जेई मेन और जेई एडवांस में अच्छे आ गए तो आराम से एडमिशन हो जाएगी यहाँ पे। इस कॉलेज में अंदर तक आ गया, अब ये बता देखने में कैसा है, और जो बच्चों ने इतने पैसे लगाए वो सही है या नहीं है? लग रहे मेरे को तो हाँ, तो यहाँ पैकेजेस भी बहुत बढ़िया है जिसके लिए बच्चे मेनली आते हैं कॉलेजेस में, और बिल्डिंग तो आप सब देख ही रहे भाई, बिल्डिंग एक नंबर है यार, इंफ्रास्ट्रक्चर एक नंबर है, अंदर का लेक्चर हॉल नहीं पता पर हाँ काफ़ी सही है, और जैसा देखने से लग रहा है बाहर से अंदर से भी वैसा ही होगा, तगड़ा ही होगा बहुत। और ये सामने जो हॉस्टल दिख रही है, ये बताओ हॉस्टल कैसा मतलब लगा देखने में? भाई ऐसे हॉस्टल्स मैंने कभी नहीं देखे यार, इतने मस्त हॉस्टल लग रहे हैं यार, ऐसा फ्लैट्स हैं। तो अपने ये 12th के बच्चे या फिर जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको क्या संदेश देना चाहिएगा आप? भाई देखो अपन लोग तो कुछ कर नहीं पाया ज़्यादा, ठीक है, किए मेहनत यार, तुम लोग मेहनत किए पर नहीं आए रैंक अच्छे, अपने ने मेहनत की लेकिन अपना नहीं हो पाया, ठीक है, लेकिन आप कर सकते हो, आपको खुद पे भरोसा रखना है। अगर आपको जो चीज़ आपको पढ़नी है, एक बात याद रखना, जो चीज़ आपको पढ़नी है लाइफ में, जो चीज़ में आपको सक्सेसफुल होना है, सिर्फ वही चीज़ करो, दूसरों की बात मत सुनो, पेरेंट्स तक की बात मत सुनो कि पेरेंट्स क्या चाहते हैं, जो अपना अंदर से चाहते हो वही चीज़ करना, ठीक है, तभी तुम सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाओगे, बस ये कहना मेरी। अभी तो आपके लिए बस जेई मेन और जेई एडवांस ही मेन होना चाहिए यार, बस उसमें अच्छे रैंक आ गए तो इधर आ गए, और इधर आ गए तो अच्छे प्लेसमेंट मिल जाएगी। सो जैसा आपने अभी तक देखा वीडियो में, हमने ट्रिपल आईटी को एक्सप्लोर किया बाहर से, देखते अंदर जाने का मौका मिलता है, अगर मिलता है तो हम आपको और दिखाएंगे। तो अभी जान लेते हैं कि आखिर ट्रिपल आईटी इतना फेमस क्यों है और इसके बारे में कुछ खास बातें जान लेते हैं। अभी हमने चेक किया तो क्या देखा हमने, ये 2008 में ही इस्टेब्लिश हुआ है, 2008 में इस्टेब्लिश हुआ है, और बेसिकली ये रिसर्च ओरिएंटेड कॉलेज है, मेनली रिसर्च ओरिएंटेड कॉलेज है और मेनली कंप्यूटर साइंस में, और हमारा फ्रेंड पुनीत यहीं पे है बीटेक सीएससी में, उसी से मिला अभी है। उसका ये लेक्चर खत्म होने वाला है, आएगा तो बात करवाएंगे आप। और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देख ही लिया होगा अब तक, माशाल्लाह मस्त कॉलेज है।
पे क्या फेस्ट या फिर जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह होते हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त होते हैं, बहुत ही और पढ़ाई भी मस्त होता है। और पर एक चीज़ है, यहाँ पे प्रोजेक्ट बहुत मिलते हैं, मतलब तो काम बहुत करवाएंगे आपसे, ओवरऑल बहुत ही सही है। ओ माय गॉड, ये डॉगी हमारे आसपास की घूम रहे यार। टॉमी ब्रो, ब्रो एक काम यार, ब्रो नॉट ब्रो ये तेरा ब्रो। तो ये रहे IIT के बच्चे। हेलो ब्रो। हाँ हेलो भाई। नेक्स्ट ओपन अंदर क्या है? जिम है भाई। जिम ऊपर है नीचे है? स्विमिंग पूल, इसके अंदर स्विमिंग पूल है। वाह। उधर था जिम, अब इधर चलते हैं। टेबल टेनिस ये रहा, उधर खेल रहे हैं टेबल टेनिस। और वो इसको क्या कहते हैं, एयर हॉकी। एयर हॉकी एक बीच में मिट्टी रखते हैं। अच्छा पता नहीं यार ये क्या चीज़ है, वही क्या कहते हैं इसको, फूजबॉल। फूजबॉल फ्यूज बॉल क्या? फूजबॉल है, फ्यूज FWSC, पता नहीं होता है। अच्छा हाँ, इसमें होगा ना गोल करने का। क्या नहीं लेना चैनल पे? क्या नहीं लेना, मेरे को मतलब चाहिए। विल डिस्कस। भाई आपको जो भी खेलना है वो यहाँ से इशू करा के आप जाके खेल सकते हो, जैसे फुटबॉल का है, फिर क्रिकेट छोटा सा ग्राउंड है, पर बास्केटबॉल भी है उस साइड, बिल्कुल पूरा बास्केटबॉल, फुटबॉल, हैंडबॉल का भी है। नाइस।
हर चीज़ है, स्पोर्ट्स ब्लॉक है। और ये बना रहे हैं बैठने के लिए, काफ़ी सही है। ही इज़ फ्रॉम LPU। और ये भाई दोनों IIIT के हैं, कंप्यूटर साइंस। और ये जो LPU के हैं, इनके क्या है तेरा कोर्स? कोर्स एरोस्पेस। यस नेक्स्ट एपिज़ेव क्लाम। यस क्यों नहीं, घंटा। अबे बोल, हाँ मैं बनूंगा। नहीं बे, एक कॉन्फिडेंस आएगा तो मुंह से तो निकाल। मेरे को आगे जाना भाई। इस कॉलेज के बारे में और कुछ जानकारी? काफी कुछ है इस कॉलेज में। इसी में क्यों आए? IIT में क्यों नहीं गए? मैं चुप रहा। मिली नहीं इसलिए नहीं गए। नहीं, पुनीत कह रहा था यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो IIT मिल रहा था फिर भी इसी में आए। इस कॉलेज में भाई बाकी कॉलेज है जैसे, वैसी बात नहीं है इस कॉलेज में। मतलब कैसा लगा यहाँ पे आके, कैसा लगता है इस कॉलेज में? स्कूल वाली फील आती है। कुछ एक्सपीरियंस बता। अच्छा, स्कूल वाली फीलिंग आ रही है। बाकी कॉलेज में जाओ तो फिर एक सेमेस्टर रुक जाओ फिर मजा आ जाएगा। वही तो, ज्यादा भीड़ नहीं। हर पेपर में री आएंगे वो सब नहीं। मतलब अपने में रह सकते हो ज्यादा। मतलब बाकी कॉलेज में बहुत सारे बंदे होते हैं, मतलब ज्यादा कंजेस्टेड। अरे कैमरे पे देखो यार। हां कैमरे पे क्यों नहीं देख रहे? अरे यार पता ही नहीं चल रहा। शर्म आ रही है कैमरा में देख। पहली बार कोई कैमरे लेके आए दो कॉलेज में, आ गए शर्म आ रही है। स्टार्टिंग में निकाल दो इसे। हां यार खाने। कैंटीन किधर है? वेयर इज कैंटीन? मेस। यार सारे बच्चे बैठ के ये मेस से यहाँ पे बैठ के आप लोग खा सकते हो। जैसे ये देखो, ठीक है। यार तुम चावल नहीं लेते क्या? चलो खाते हैं। IIIT का हॉस्टल, ये कॉमन है? मतलब बॉयज और गर्ल्स सिर्फ लड़कों के लिए है? काफ़ी सही है। और इसके अंदर चल के अब रूम देखते हैं कैसा है रूम। ज़्यादा ही साफ है। और ये अंदर इसे बोलते हैं भाई हॉस्टल। एसी देखो किधर है, ये कितने? ये वन एक ये अलमीरा, ये दो बेड इधर भी अलमीरा, मतलब दो बच्चों के लिए ये। और स्टडी टेबल, और ये भी स्टडी टेबल। अभी फीस बता, फीस कितना है? एक सेमेस्टर का 28,000। यार हमारे तो 34 लेते हैं। और इतना घटिया रूम है, तूने देखा है ना? बहुत घटिया। अबे एसी वैसी कहीं नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ वो सर देखा सारी इंग्लिश है, इसमें देखते इंग्लिश। और ये नहाने के लिए तीन बातें, एक चौथा ये चार बातें। इस फ्लोर पे उतार के ले गए गीजर को। नहाने वाने नहीं, इसी में नहाते हो अंदर? यहीं जा से। चलो लेक्चर हॉल देखते हैं। IIIT का लेक्चर हॉल कैसा है? ओह माय गॉड,
ओ हो दिस इज नेक्स्ट लेवल ब्रो, नेक्स्ट लेवल में जो मजा आता है ना, हां वो तुम्हें नहीं पता पढ़ने में नहीं ओए इसमें टोटल स्ट्रेंथ कितने होंगे, टोटल स्ट्रेंथ मतलब कितने होंगे, 500 एक साथ। और बनाते किस पे प्रोजेक्टर, वो शायद IIT दिल्ली IIM अहमदाबाद। यह था लेक्चर हॉल सेकेंड, उधर था वो फर्स्ट था। ये ऐसा नहीं लगता राज्यसभा लोकसभा लोकसभा, ये नीले नीले उसमें लाल लाल। चलो दूसरे, अब लैब दिखाते आपको, पूरा लैब ही लैब है, लैब ही लैब है, अंदर भी लैब है इधर भी लैब है, और ये दोनों लैब के बंदे चलते हैं। यही है पूरा डिटेल, PDO ऑन IIIT दिल्ली। ये लाइब्रेरी और ये R&D ब्लॉक, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो हमने पूरा कॉलेज घूम लिया, आपको दिखा दिया, अब करते हैं इस ब्लॉक को एंड और घर चलते हैं। ये दो थे IIIT के स्टूडेंट फर्स्ट ईयर, इन्होंने हमें टूर करवाया, दिखाया क्या क्या चीज़ है यहाँ पे, लैब वगैरह, लेक्चर हॉल, कंप्यूटर लैब, हर चीज़।